नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को मिर्च की फसल में लगने वाले पत्ता मुड़ने की बीमारी के बारे में बताने वाला हूं कि यह रोग किस कारण से लगता है तथा इससे आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं, क्योंकि यह रोग न सिर्फ मिर्च की फसल में बल्कि आलू की फसल, टमाटर की फसल, सरसों या फिर और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनमें यह अक्सर देखी जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यह प्रकोप आपको मिर्च की फसल में ही देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि मिर्च की फसल में इस रोग के लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं तथा यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर किस कारण से फैलता है और इस रोग से छुटकारा पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं या फिर कौन सी दवाइयों का आप उपयोग करें जिनसे इन सभी से छुटकारा मिल सके। इस रोग के लगने के सिर्फ एक ही कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्य दो कारण हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसका मुख्य कारण थ्रिप्स, माइट्स या फिर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीव अर्थात सूक्ष्म जो जीव होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इन सभी के कारण मिर्च की फसल में जो पत्तियां होती हैं वह मुड़ करके ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं, जिससे आपकी फसलों के जो भी पैदावार हैं वो घट जाते हैं या फिर बाद में पौधे सूखने लगते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप लोग कुछ दवाइयों का मैं लास्ट में बताऊंगा, उन दवाइयों को ज़रूर आप उपयोग करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इसकी पहचान कैसे करें कि आपकी फसल में वायरस का प्रकोप लगा है या फिर थ्रिप्स है या माइट है। तो किसान भाइयों, वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कृषि से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती हैं। तो किसान भाइयों, जब भी आपकी फसलों में देखेंगे अगर माइट्स लग रहे हैं तो आपकी जो पत्तियां सिकुड़ेंगी वह नीचे की तरफ मुड़ जाएंगी तथा जब थ्रिप्स लगते हैं तो वह पत्तियां मुड़ करके ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि आपकी फसलों में थ्रिप्स लगे हैं या माइट्स लगे हैं, इन दोनों की पहचान इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यह एक पौधे से दूसरे पौधों पर फैलता कैसे है। तो यह सबसे ज़्यादा इसके एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलने का कारण जो सफ़ेद मक्खियाँ होती हैं उनके कारण यह एक पौधे से दूसरे पौधे पर अक्सर फैलता है, क्योंकि जिस भी एक पौधे पर अगर यह बीमारी लग जाती है, अगर उसके नीचे जो माइट्स लगे होते हैं पत्तियों के नीचे, अगर वहाँ जाकर के ये मक्खी बैठती है और वहाँ से एक पौधे से दूसरे पौधे पर वह जाती है तो वो जो वायरस होते हैं या फिर जो सूक्ष्म जीव हैं वह एक पौधे से दूसरे पौधे पर चले जाते हैं, जिससे एक पौधे से दूसरे पौधे पर यह बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। इसलिए जब भी आपको यह बीमारी एक पौधे पर दिखे तो स्टार्टिंग में ही आप उस पौधे को निकाल करके खेत से या तो बाहर फेंक दें या फिर उसे जला दें, नहीं जिससे कि एक पौधे से दूसरे पौधे पर जो फैलने की यह बीमारी है उसकी आशंका काफ़ी हद तक कम हो जाए। किसान भाइयों, थ्रिप्स, माइट्स या फिर वायरस यह जो भी होते हैं यह हमेशा पत्तियों के नीचे ही पाए जाते हैं। यह पत्तियों के रस को धीरे धीरे चूस करके उसे सुखा देते हैं, जिससे वह क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं और पत्तियाँ नीचे या ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि पौधे अपना भोजन ना बना पाने के कारण सूख जाते हैं धीरे धीरे करके। तो इनसे बचाव के लिए आप लोग थ्रिप्स अगर आपकी फसल में लगा है तो इसके लिए आप रोगार या फिर इमीडा क्लोपिड 17.8% का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जो भी थ्रिप्स लगे हैं या फिर रस चूसने वाले जो कीट होंगे वह हमेशा के लिए आपकी फसलों से खत्म हो जाएंगे। इसका उपयोग कम से कम 2 से 3 स्प्रे जरूर करें, जिससे कि जो भी रस चूसने वाले कीट हैं वह खत्म हो जाएं। और भी कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए आप लोग घड़ा कंपनी के पुलिस दवा का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पिप्रोनील 40% तथा इमीडा क्लोरोपिड 40% WG यह दानेदार फॉर्म में होता है, जिसका उपयोग आप लोग अपनी फसलों पर स्प्रे के लिए कर सकते हैं। या फिर आप प्रोक्लेम एक दवा आती है जिसमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG मिला होता है, जिसका उपयोग भी आप लोग अपनी फसलों पर स्प्रे के लिए कर सकते हैं। या फिर आप बायर कंपनी के मोमेंटो एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, यह रेड स्पाइडर माइट के लिए उपयोग किया जाता है। यह कुछ प्रमुख दवाइयां हैं जिनका उपयोग करके आप लोग अपनी फसलों से पत्ता सिकुड़ने की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और किसान भाइयों, जो भी दवा मैंने बताया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में मैंने मिर्च की फसल में लगने वाले पत्ता सिकुड़ने की बीमारी के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों का कोई सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आगे इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।